जो पाकिस्तान अपने आतंकियों के जरिए लगातार भारत में छद्म युद्ध छेड़े रखता है, जो अपने देश से ज्यादा कश्मीर की फिक्र करता है और जो सपने में भी भारत का विरोध करता है, वही पाकिस्तान इन दिनों भारत के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गया है। और अब तो हालात ये हो गए हैं कि अपने देश में बेरोजगारी बढ़ने से रोकने के लिए भारत से पाकिस्तान मिन्नतें कर रहा है। आइए आपको बताते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान को घुटने के बल बैठना पड़ गया है और भारत के सामने मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। पाकिस्तान की निकली सारी हेकड़ी, भारत के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर। पाकिस्तान भारत को लेकर क्या सोचता है उसको बताने या समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया पाकिस्तान की फितरत को जानती है और भारत के प्रति उसके नजरिए से वाकिफ है। लेकिन बात बात पर परमाणु बम निकालने की गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल चुकी है कि पाकिस्तान में हालात ऐसे हो गए हैं कि अब 1.5 करोड़ लोगों के सिर पर बेरोजगार होने का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान में पहले से ही बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। ऐसे में अगर 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग और बेरोजगार हो जाएंगे तो पाकिस्तान में मारकाट शुरू होना और गृह युद्ध छिड़ने के हालात बन जाएंगे। इसके साथ ही इमरान खान की सत्ता भी जाएगी, लिहाजा अपनी सरकार को बचाने के लिए इमरान खान की सरकार भारत के सामने गिड़गिड़ाने और घुटने के बल बैठने को मजबूर हो गई है। दरअसल अपनी हरकतों से बाज ना आने वाले पाकिस्तान ने भारत में CRPF के काफिले पर हमला किया था, जिसके जवाब में भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था, जिससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को इतना गुस्सा आया था कि उन्होंने भारत से तमाम व्यापार बंद कर दिए। इमरान खान ने उस वक्त देश से ज्यादा अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए कदम उठा तो लिया था, जिससे भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है, जिसके बाद अब पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान एक बार फिर से भारत से रोड रूट के जरिए कपास आयात करना चाहता है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार भारत से कपास खरीदने को जल्द ही मंजूरी देने वाली है। खबर ये भी है कि LOC पर दोनों देशों के बीच सीज वायर पर हुए नए समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संभावनाएं बहाल हो सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान जल्द से जल्द भारत के साथ अपने संबंध को सुधारना चाहता है ताकि देश में भुखमरी के हालात पैदा ना हो। वाणिज्य मंत्रालय के हवाले से पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल ने लिखा है कि प्रधानमंत्री इमरान खान के सलाहकार अब्दुल रजाक दाऊद ने वाणिज्य मंत्रालय से कपास आयात की मंजूरी देने के लिए बात की है और माना जा रहा है कि अगले सप्ताह से पाकिस्तान भारत से कपास और धागे की आयात कर सकता है। पाकिस्तानी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया कि कपास की कमी का मुद्दा पहले ही इमरान खान को बताया जा चुका है और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के पास से वाणिज्य मंत्रालय का प्रभार भी है, लिहाजा इमरान खान के पास भारत से कपास खरीदने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। पाकिस्तानी अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि एक बार सैद्धांतिक फैसला होने के बाद मंत्रिमंडल की आर्थिक संयोजन समिति के सामने औपचारिक आदेश रखा जाएगा। वहीं सूत्रों के मुताबिक इस बारे में आंतरिक चर्चा हो चुकी है और अंतिम फैसला इमरान खान को लेना है। वहीं सूत्रों का ये भी कहना है कि इमरान खान के पास सहमति देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि इमरान खान जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त कॉटन की कमी से जूझ रहा है और इमरान खान खुद पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री हैं, लिहाजा सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है। भारत के सामने झुकने को मजबूर पाकिस्तान, पहले देता रहा धोखा और धमकी। भारत और पाकिस्तान के बीच 2003 में युद्ध विराम को लेकर समझौता हुआ था, लेकिन इस समझौते पर आज तक सही मायनों में अमल नहीं किया गया और 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर 300 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था। वहीं कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद पाकिस्तान बिफर गया था और उसने भारत से कई व्यापारिक रिश्ते खत्म कर लिए थे, लेकिन इमरान सरकार का यही दाव उन पर उल्टा पड़ गया। 2019-2020 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस कदर ताव में आए थे कि उन्होंने भारत के साथ हवाई और भूमि संपर्क को खत्म कर दिया था। वहीं भारत पाकिस्तान रेल मार्ग भी बंद करने का फैसला पाकिस्तान ने लिया था, लेकिन 2021 में इमरान खान वापस भारत के सामने लेट चुके हैं। पाकिस्तान को इस साल 12 मिलियन बेल्स कपास की जरूरत है। पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी का मानना है पाकिस्तान सिर्फ 7.7 मिलियन बेल्स का ही उत्पादन कर सकता है, लिहाजा 5.5 मिलियन बेल्स का आयात उसे किसी भी हाल में करना होगा और इतनी मात्रा में कपास पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ भारत से ही मिल सकता है। कपास की कमी होने पर पाकिस्तान इसका आयात
अमेरिका, ब्राजील और उज्बेकिस्तान से भी करता है, मगर इन देशों से कपास खरीदना पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा महंगी का सौदा होता है। लिहाजा कपास निर्मित वस्तुओं की कीमत इतनी बढ़ जाती है कि पूरी इंडस्ट्री की हालत खराब हो चुकी है। अगर पाकिस्तान भारत से अपनी जरूरत के मुताबिक कपास खरीदता है तो उसे काफी सस्ता पड़ेगा। वहीं भारत से कपास बेहद कम वक्त में पाकिस्तान भी पहुंच जाएगा, क्योंकि अमेरिका या ब्राजील से आयातित कपास को पाकिस्तान पहुंचने में 2 महीने से ज्यादा का वक्त लगता था। ऐसे में पाकिस्तान अगर भारत से कपास खरीदता है तो उसे फायदा ही फायदा है। भारत के भरोसे पाक की टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दरअसल पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था में काफी योगदान है, जिसका अंदाजा एक आंकड़े से लगाया जा सकता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान में 30% से ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराता है। पाकिस्तान टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अगर ऐसे में कपास खरीदी पर असर पड़ता है तो भारी तादाद में लोगों की नौकरियां खत्म होंगी। वहीं पाकिस्तान चीन, भारत और बांग्लादेश के मुकाबले कपास का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान निर्यात में 60% से ज्यादा योगदान टेक्सटाइल का है। पाकिस्तान की पूरी मैन्युफैक्चरिंग में इसका करीब 46% से ज्यादा योगदान है और पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का करीब 10% योगदान है। इस वक्त पाकिस्तान की GDP 278 बिलियन डॉलर यानी करीब 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, यानी कॉटन इंडस्ट्री से पाकिस्तान की GDP को करीब 27 बिलियन डॉलर यानी करीब 2 लाख करोड़ मिलता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री टूटती है तो न सिर्फ पाकिस्तान की GDP बर्बाद होगी बल्कि लाखों लोगों की नौकरियां भी खत्म हो जाएंगी।